आदाब दोस्तों, सीसी के इस लाइव व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं उर्दू लिटरेरी मूवमेंट, इसके तहत आज हम एक बार फिर आप सभी से मुखातिब होने जा रहे हैं। अपने पिछले व्याख्यानों में हमने इस श्रृंखला के तहत आपको जानकारियां दी और उम्मीद करते हैं कि आप सभी के लिए जानकारियाँ मुफीद रही होंगी। तो दोस्तों, बताना चाहेंगे कि आज हम तफसील से चर्चा करने वाले हैं अलीगढ़ तहरीक पर, और इस सेशन के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नौशाद आलम। डॉक्टर नौशाद आलम जामिया मिल्लिया इस्लामिया में कार्यरत हैं और सीसी के लाइव व्याख्यानों के जरिए आप तक पहुंचते हैं, आप से रूबरू होते हैं और आपको विभिन्न विषयों संबंधित ये जानकारी देते हैं। तो आइए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर नौशाद आलम का, और इनके ज़रिए एक बार फिर हम ज्ञान अर्जित करें और उस ज्ञान के ज़रिए उन तमाम बातों को अपने जीवन में शुमार करें जिनका कहीं ना कहीं हमारे साथ सरोकार रहा है, भले ही वो बीते हुए वक्त की क्यों ना हो। तो आइए हम एक बार फिर स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर नौशाद आलम का। डॉक्टर आलम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अलीगढ़ तहरीक, जिसे हम सर सैद तहरीक भी कहते हैं, उर्दू की अदबी तहरीकों में ये वाहिद ऐसी तहरीक है जिसके असरात बहुत हमगीर, तरक्की पसंद तहरीक के भी असरात बहुत हमगीर हैं, लेकिन कुछ नौयतों से, कुछ एतबारात से अलीगढ़ तहरीक के जो असरात हैं वो बहुत मुख्तलिफ नौयत के हो जाते हैं। ये खालिस अदबी तहरीक नहीं है, ये तहरीक सर सैद की सियासी, समाजी, तहजीबी और तालीमी कोशिशों के नतीजे में उर्दू शेर अदब को एक नई जहत मिलती है, उसकी तहरीक है। ये कहना चाहिए कि इसकी कोई तंजीम भी नहीं है, यानी जो अलीगढ़ तहरीक की अगर उर्दू के हवाले से बात करें तो उर्दू के लिए कोई उसकी तंजीम नहीं थी, लेकिन चूँकि सियासी, समाजी और तहजीबी वो एक सर सैद की तंजीम थी, जो तहरीक थी मुसलमानों के लिए, उसके हवाले से जो तब्दीलियाँ आईं, वहाँ से जो उर्दू की तहरीक है वहाँ से अपने लिए ग़िज़ा हासिल करती रही, जो सर सैद की तहरीक थी। और मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म के ज़रिए से इस तहरीक को जिस तरह से क़ुव्वत मिली है, जैसे मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस है, साइंटिफिक सोसाइटी है, या फिर जो कॉलेज था मोहम्मदन एंग्लो कॉलेज, जो ओरिएंटल कॉलेज था, तो इन तमाम प्लेटफॉर्म की मदद से जो एक कहना चाहिए कि एक मेयार बन गया उर्दू में, और इसके जो मानने वाले थे, जो अलमबरदार थे, उन्होंने अपनी तसानीफ़ के ज़रिए से, अपनी तकारीर के ज़रिए से, और एक पूरे मुहिम के तौर पर जिस तरह से वो सर सैद की तहरीक को लेकर आगे बढ़ रहे थे, उससे उर्दू अदब को बड़ा फ़ायदा हुआ, और एक पूरी तहरीक की शक्ल में उर्दू में हमें जिद्दतें दिखाई देती हैं, उसलूब की सतह पे, मौजू की सतह पे, ख़ास तौर से जज्बात की जगह पे हकीकत की तरफ जो रुझान बढ़ता हुआ हमें दिखाई देता है, अदब का एक इफ़ादी नुक्ता नज़र हमें वहाँ दिखाई देता है। तो ये सब उसी सर सैद की जो सियासी, समाजी और जो तालीमी कोशिशें थी उसके नतीजे में हमारे यहाँ अदब में ये सारी चीज़ें आई हैं। तो कभी कभी क्या होता है, चूँकि अलीगढ़ इस नशत सानिया का मरकज़ बन गया था, इसलिए उसे अलीगढ़ तहरीक के नाम से याद कर लेते हैं। कभी जहन में जब सर सैद की जो मकनातीसी शख्सियत होती है तो उसको और उनकी खिदमात को, उस दायरे को देखते हुए, क्वांटम ऑफ वर्क जो उनका था उसको देखते हुए, उनको इसको सर सैद तहरीक भी कह देते हैं। तो गोया ये खालिस अदबी तहरीक ना होते हुए भी और इसकी कोई तंजीम ना होते हुए भी इसने जिस तरह उर्दू अदब को मुतासिर किया है मुख्तलिफ मसनाफ में, शायरी के अलावा आप नसर में भी देखें, मकालात हैं, इंशाइये हैं, तारीख़ है, तमसील निगारी है, नावल है, इन सब मौजूआत में, इन सब असनाफ में, असनाफ नसर में भी जिस तरह से इस तहरीक के असरात हैं वो बहुत ही हमगीर हैं। इस तहरीक का आगाज़ कब हुआ, ये बड़ी दिलचस्प बात है। 1870 में इसकी बाकायदा शुरुआत होती है, जब जो है सर सैद अलीगढ़ जाते हैं, और अलीगढ़ से वापस जब सर सैद इंग्लिस्तान जाते हैं और इंग्लिस्तान से वापस आते हैं, और वहाँ पर जो इंस्पेक्टेटर और टिटलर की खिदमात देखते हैं कि किस तरह से सोसाइटी में वहाँ पर चेंज आ रहा है,
और गोया वो इसलिए भी गए थे कि वहाँ के जो तालीमी इदारे हैं उस तालीमी इदारों का मुताला कर सकें। तो वहाँ से जब वापस आए तो 1870 में बाकायदा तौर पर इस तहरीक का एक तरह से आगाज़ होता है, लेकिन उससे बहुत पहले जब वो गाज़ीपुर में थे तो वहाँ पर उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी कायम की थी उलूम जदीदा से इस्तेफादे के लिए और कौम को नई फ़िक्र की तरफ गामजन करने के लिए साइंटिफिक सोसाइटी बनाई और एक अंग्रेज़ी स्कूल कायम किया गया था। जब वो अलीगढ़ आए तो ये दोनों चीज़ें उनके साथ अलीगढ़ आ गईं और फिर इंग्लिस्तान जो गए थे अप्रैल 1869 में और 1.5 साल वहाँ क़याम के बाद जब 17 अक्टूबर 1870 में आए तो यहाँ पर उन्होंने इसकी बुनियाद रखी। इसके साथ साथ उन्होंने मोहम्मडन एजुकेशनल कांग्रेस की भी बुनियाद रखी। उनको मालूम था कि महज एक इदारे के कायम करने से वो बात नहीं बनेगी, वो मकसद हासिल नहीं होगा जो वो मकसद हासिल करना चाहते हैं। तो 1886 में उन्होंने मोहम्मडन एजुकेशनल कांग्रेस की बुनियाद डाली जो बाद में मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हो गई 1890 में। तो ये तो एक पस मंज़र था तहरीक के आगाज़ का, तहरीक की शुरुआत का, लेकिन हमें समझना होगा कि कोई भी तहरीक कैसे वजूद में आती है, क्या वजूहात होते हैं, क्या वो अवामिल होते हैं जो किसी तहरीक को आगे करने में, उसे पैदा करने में मुआविन साबित होते हैं। तो जब हम इस पस मंज़र पर गौर करते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि बहुत सारी बातें हमारे जहन में आती हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान 1817 में दिल्ली में पैदा हुए और 1817 ये वो अहद है जबकि मुगलिया सल्तनत अपने आखिरी दौर से गुज़र रहा है। अब ये सल्तनत अब बिल्कुल आखिरी वक्त में है और कहना चाहिए कि जो उसका सियासी, जो उसकी सियासी शान थी, जो उसकी कुव्वत थी, वो सब ख़त्म हो रही है। दरबार के अंदर जो शहज़ादे हैं, जो जानशीन हैं बादशाह के, वो सब नाअहल हैं और आसपास की जो क़ुतें हैं छोटी बड़ी वो भी अपने पर फैला रही हैं और विदेशी ताकतें भी यानी अंग्रेज़ों की हुकूमत भी कहीं कहीं कुछ कुछ इलाकों में कायम हो चुकी है और वो मुसलसल इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि वो पूरे हिंदुस्तान पर काबिज़ हो जाए। ये एक पस मंज़र है जो कहना चाहिए कि हमें सियासी तौर पर नज़र आता है। सर सैयद ने जो किताब लिखी है सीरत फरीदिया, जिसमें अपने नाना के अहवाल लिखे हैं, उसमें उनके बचपन के भी वाक़यात हैं। तो उसमें वो दरबार का किस्सा किस तरह नकल करते हैं कि यानी इतनी हालत ख़राब थी दरबार की कि दरबार की छतों पर उस पर छतों पर शहजादे चढ़ करके कहते थे कि हम भूखों मरते हैं, हम भूखों मरते हैं। ये वो बात है जो सैयद बचपन में देख रहे हैं। तो उन्हें ये मालूम है कि दरबार के अंदर जो हाल है बहुत ही खस्ता हालत है। दूसरी तरफ सर सैयद देख रहे हैं कि सैयद अहमद ख़ान वलीउल्लाह तहरीक से भी वाकिफ़ है और उस आसार व सनादीद जो उनकी किताब है उसके पहले एडिशन में उसका जिक्र उन्होंने किया है। सैयद अहमद बरेलवी और शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की बालाकोट में जो शहादत है वो भी उनके सामने है, जिससे उन्हें अंदाज़ा होता है कि एक तरफ तो कहना चाहिए कि दरबार यानी कि सियासत वो कमज़ोर हो गई है, दूसरी तरफ दीन की वसादत से अपने इकदार को पाने, अपनी इज्जत को पाने का नुस्खा भी कारगर साबित नहीं हुआ। यानी कि जब उनकी शहादत हो गई तो उनसे वो मुतासिर थे इन दोनों शख्सियात से और अकीदत थी उन्हें बहुत गहरी, लेकिन जब आसार व सनादीद का दूसरा एडिशन आया तो उसमें इन दोनों का जिक्र उसमें नहीं किया। तो ये एक तब्दीली थी सर सैयद के अप्रोच में। तो देखिए कि एक तरफ सियासत कमज़ोर हो चुकी है, दूसरी तरफ दीन के रास्ते से अपनी इज्जत को वापस पाने का तरीका भी नाकाम हो चुका है। इन पूरी सूरत हाल को डॉक्टर नज़ीर अहमद बहुत अच्छे अल्फाज में अदा करते हैं। अपने एक लेक्चर में उन्होंने कहा कि सिपाहगिरी के वो तमाम फ़न और करतब जो कभी सल्तनत की किस्मत का फ़ैसला किया करते थे अब ताज़ियादारी के जुलूस के सिवा और किसी मतलब के न रहे थे।
ये कहने को बहुत ही मुख्तसर और छोटा सा जुमला है, लेकिन एक पूरी तारीख पिन्हा है इसमें, एक पोशीदा है तारीख। इसके अलावा बहुत सारी किताबें हैं, जैसे फुगाने दिल्ली है, गालिब के खतूत है, वाजिद अली शाह की मसनवी है, मुनीर शुकाहाबादी की मेराजुल आशिकीन है। इन तमाम तख्लीकात में हमें उस अहद की जो ज़बूं हाली है और जो खस्ता हाली है वो नज़र आती है। ये दो तीन बातें हुई। इसके अलावा ये देखिए कि अंग्रेज़ों को निशाने पर किसने लिया? वलीउल्लाह तहरीक, मुसलमान ले रहे थे और उनका ख़ास निशाना थे वो, जो तहरीक थी वलीउल्लाह तहरीक, और उनको ही सबसे ज़्यादा ये महसूस हो रहा था कि उनका मज़हब ख़तरे में है, उनकी तहजीब की जो जड़ें हैं वो ख़तरे में हैं। शाह अब्दुल अज़ीज़ का फतवा जो जिहाद का था वो भी, सैयद अहमद बरेलवी के जो मुख्तलिफ़ राजाओं से बातचीत है, जो खतूत हैं उसमें साफ़ उन्होंने कहा है कि हमें हुकूमत नहीं चाहिए, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अंग्रेज़ों को जो वो यहाँ काबिज़ हो गए हैं और जिस तरह से वो हमारी तहजीबी हमारे मज़हब के साथ ज़्यादती कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ हम हैं, जैसे ही वो यहाँ से चले जाएंगे आप जो चाहे वो हुकूमत करें, हमसे मतलब नहीं है, हम उसके लिए कोशिश नहीं कर रहे, हम हुकूमत के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि अंग्रेज़ों की तरफ से भी, चूँकि 1857 की जो पहली जंग आज़ादी है उसके लिए वो ज़्यादा तौर पर मुसलमानों को पहले तौर पर ज़िम्मेदार मान रहे थे, कह रहे थे कि चूँकि इनसे हुकूमत ली थी इसलिए ये ज़्यादा बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, तो ये एक बदगुमानी और एक गम गुस्सा उनके अंदर था मुसलमानों के ख़िलाफ़। तो सर सैद ये सारी चीज़ें देख रहे थे। अब आप देखिए कि इन बातों के साथ मुसलमान कौम के अंदर भी जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नफ़रत थी वह हद दर्जा बढ़ी हुई थी। मौलवी अब्दुल हक ने एक जगह लिखा है कि दिल्ली कॉलेज में एक अंग्रेज़ हाकिम आया और उनसे मौलवी साहब ने जब मुसाफा किया तो मुसाफा करने के बाद हाथ को अलग रखा बहुत देर तक, और जैसे ही वो अंग्रेज़ हाकिम चला गया उस हाथ को जाके उन्होंने बहुत रगड़ रगड़ के धोया, गोया एक तरह से कोई नजिस चीज़ थी जो उनके हाथों में लग गई थी। तो आप ये देखिए कि ये जो अप्रोच है, यानी जो नफ़रत या कहना चाहिए गम व गुस्सा या जो बदगुमानी है दिलों के अंदर, वो इस कदर बढ़ी हुई थी। बल्कि मौलवी अब्दुल हक ने यह भी लिखा है कि एक लुगत नवीस ने उनके ज़माने के लुगत नवीस ने जो अंग्रेज़ की जो फिरंगी की तारीफ़ की थी वो ये की थी, यके अस जानवराने दरियाई के गाह गाह बसाहिल नमुदार मिशवत। पढ़ करके हंसी आती है, यानी किस तरह की फिक्र थी, कितनी सतही जहनियत थी कि वो अंग्रेज़ को एक ऐसा जानवर, दरियाई जानवर मानते मान रहे हैं कि जो साहिल पर नमुदार होता है कभी कभी। तो हंसी भी आती है और उस गम गुस्से की, उस बदगुमानी की वजह भी समझ में आती है। तो जो मुसलमान बुजुर्ग थे उस ज़माने में वो ये समझते थे कि अंग्रेज़ जो इस मुल्क पे काबिज़ हैं वो ये चाहते हैं कि मुसलमानों को उनके दीन से मुतनफ़िर कर दिया जाए। तो गोया मुसलमानों के अंदर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत थी उसकी वजह तो है ही, साफ़ है, लेकिन अंग्रेज़ों की तरफ से जो मुसलमानों की तरफ ज़्यादतियाँ हुई या फिर जो एक रुझान बन गया था उससे भी बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ पैदा हुई, और ये चीज़ सैयद के जहन में थी। अब देखिए कि अंग्रेज़ों का जो अप्रोच था, जो फ़िक्र थी पूरी हिंदुस्तानी तहजीब को लेकर के, वो बहुत ही हकीर आमेज़ थी। लॉर्ड मैकाले ने जो 1835 में जो करारदाद मंजूर की थी उसमें कहा, वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको, कि हिंदुस्तानी कल्चर खुराफात और तवहमात का पछतारा है और वो तारीख जो 30 फीट के ऊंचे हुक्मरानों से भरी हुई है और जिनका दौर हुकूमत 30,000 तक साल तक फैला हुआ है, और वो जुग्राफिया जिसमें समंदर दूध और शीरे के हैं उसका पढ़ाना महज तजिया औकात है। अब देखिए कि एक अंग्रेज़ किस तरह से पूरी हिंदुस्तानी तहजीब को निशाने पर ले रहा है। तो ये जो एहसास तफाखुर है अंग्रेज़ों का, ये भी बहुत बड़ी वजह रहा है गम गुस्से की और बदगुमानी की।
सर सैयद इन चीज़ों को देख रहे थे, एक तक तो उन्होंने देखा कि दरबार में बुरे हालात हैं, दूसरी तो देखा कि मज़हब के रास्ते से ज़ोर ज़बरदस्ती से आप हुकूमत हासिल नहीं कर सकते, तीसरे तरफ ये देखा कि अंग्रेज़ पूरी तरह से इस कौम से नाला हैं, मुतनफ़िर हैं। अब ये सारी सूरत हाल उनके सामने थी। अब इस दरमियान में, इस सूरत हाल में उनको एक बीच का रास्ता निकालने की ज़रूरत थी। जाहिर है कि वो रास्ता कोई आसान काम नहीं था, यानी मुसलमान के दिल से एक अंग्रेज़ के तई जो भी जज्बात हैं उनको दूर करना, उनके दीन और उनकी तहज़ीब के हवाले से जो भी बातें हैं, जो भी बदगुमानी है उसको कम करना, या फिर अंग्रेज़ के अंदर जो एहसास तफाखुर है अपनी सियासत को लेकर के, अपनी सियासी बालातरी को लेकर के और अपनी तहज़ीब को लेकर के, उसके दरमियान एक तरह से तताबक पैदा करना, हमाहंगी पैदा करना, ये बहुत मुश्किल काम था, बहुत टेढ़ी खीर थी। तो गोया ये एक ऐसा पस मंज़र था जिसे हमने अभी देखा कि कुछ कुछ हालात ऐसे थे जो सियासत के की सतह पर देख लें, मज़हब की सतह पर देख लें, या दोनों तहज़ीबों की का जो तसादम है उसमें हम देखते हैं, तो हमें महसूस होता है कि कोई दरमियान का अगर रास्ता नहीं निकलता है तो इस कौम की बर्बादी तय है, कि तबाही तयशुदा है। तो अब हमने देखा कि ये पस मंज़र है अलीगढ़ तहरीक के वजूद में आने का। अब उसकी फ़िक्री असास क्या है, उसे जानने की भी ज़रूरत है। अलीगढ़ तहरीक की जो फ़िक्री असास है वो मादियत, मादियत तो तरक्की, अकलियत, तसव्वुर इज्तिमाईयत और नेचरियत है। गोया ये चार अनासिर हैं जिनसे मिल करके तरक्की पर अलीगढ़ तहरीक वजूद में आती है। मादियत और तरक्की जो पहला अंसुर है, 1857 की नाकामी के बाद सर सैयद ने महसूस कर लिया था कि अगर कामयाबी हासिल करना है, अगर सुरखरू होना है, तो इस चीज़ को गिरह बांध लेना होगा कि मादी तौर पर आपको खुशहाल होना पड़ेगा। और खुशहाली कैसे आएगी, हाकिम कोई और बना बैठा है, आपके पास सियासत नहीं है, यानी कुव्वत नहीं है, सियासी कुव्वत, दीन के तरफ से आपने आजमा कर देख लिया उससे मसला हल होने वाला नहीं है। तो उन्होंने मुफाहमत की कोशिश एक तरह से, कि तरक्की का रास्ता होकर गुजरता है मुफाहमत से, और मुफाहमत किससे, यानी कि अंग्रेज़ों से जो हुकूमत में हैं, जो सियासत में हैं। अब आप देखिए कि सर सैयद ने आक़बत अंदेशी से ये काम किया कि असबाब बगावत हिंद लिखी, सरकशी बिजनौर लिखी, लायल द लायल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया लिखी, इसके अलावा तबीरुल कलाम लिखी, इन तमाम किताबों में, इसके अलावा नसारा लफ्ज़ की तहकीक की और अहकाम बताम अहल किताब, इस किताब में अंग्रेज़ों के साथ खाने पीने के आदाब बताए। तो अब इन तमाम किताबों की थोड़ी थोड़ी तफसील मैं आपको बताता हूँ। असबाब बगावत हिंद, इसमें सर सैयद ने उन तमाम वजूहात का जिक्र किया है, उन असबाब का जिक्र किया है जिनकी वजह से बगावत हुई या जंग आज़ादी की पहली जंग लड़ी गई। उसमें उन्होंने अंग्रेज़ों को भी ज़िम्मेदार उसका करार दिया है कि यहाँ की जो आवाम है, हिंदुस्तानी आवाम, उनके मज़हब से छेड़छाड़ और तारीज़ की जा रही है, ये वजह है कि जो यहाँ की आवाम है वो आपके खिलाफ़ हो गई। ये बहुत हिम्मत का काम है। सर सैयद नौकरी पेशा थे, सरकारी नौकरी थी उनके पास, सरकारी नौकरी में रहते हुए सरकार के खिलाफ लिखना हम आज नहीं कर पा रहे, उन्होंने इतने बरसों पहले किया। इस तरह, और ये कर कौन सकता है, हर आदमी के बस की बात नहीं है। जो ईमानदार होगा, मुखलिस होगा, कौम का दर्द उसके अंदर होगा और जिसको अपनी तहजीब पे फख्र होगा, ऐसा आदमी ये काम कर सकता है। सरकशी बिजनौर में भी उन्होंने, बिजनौर में जो फसाद हुआ उसकी तफसील बयान की है। द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया में उन्होंने उन मुसलमानों की निशानदेही की जिन्होंने 57 में कुछ अंग्रेज़ों की मदद की थी
जब वो बगावत हुई थी तो। गोया आप ये देखिए, इसी तरह से तबीयुनुल कलाम में इस्लाम और ईसाइत के दरमियान, कुरान और इंजील के दरमियान जो मुश्तरक बातें थी उनको सामने ले आए। एक रिसाला लिखा जिसमें उन्होंने अहले किताब यानी कि तौरात और इंजील मानने वाले यहूदी और नसरानी यानी कि ईसाई और यहूदी, उनके साथ किस तरह से खाना खाएं, कैसे उनके आदाब होते हैं, उनको सिखाने की बातें की। ये सब वो क्यों कर रहे थे? वो जाहिर है कि उस खलीज को पाटने की उनकी कोशिश थी जो खलीज के बदगुमानी की शक्ल में बहुत बड़े पैमाने पर राइज थी दोनों के दरमियान। मुसलमान उनको देखना नहीं चाहते थे कि उनके बुजुर्ग कहते थे कि भाई ये जो है हमारे बच्चों को ईसाई बना देंगे। जो मकतब और मदरसे अंग्रेज़ों के ज़माने में खुले उनको मुसलमान बुजुर्ग कहते थे कि ये मजहले हैं, ये मरकज़ हैं जहल को बांटने के, यानी यहाँ पर इल्म और तदब्बुर की पढ़ाई उसकी तदरीस नहीं होती है बल्कि ये जो है जहल मरकब तैयार करने की के कारखाने हैं। तो गोया आप देखिए कि वो पूरे तौर पर ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से हालात नॉर्मल हो जाए दोनों के दरमियान। यही मादियत और तरक्की और खुशहाली का रास्ता है। दूसरा अंसुर जो फिक्री असास है कहना चाहिए अलीगढ़ तहरीक की, वह अकलियत है। अकलियत यानी कि रैशनैलिटी, यानी रैशनल होकर के हर चीज़ के बारे में सोचना। मजहब के बारे में सर सैयद ने बहुत ही रैशनल होकर के सोचा। कभी कभी उनकी जो ये अकलियत पसंदी थी वो ज़रा हद से बढ़ गई थी जिसकी वजह से उलमा ने और अवाम ने उसे नापसंद किया और उसको बहुत कबूल नहीं किया। लेकिन वो हर अकीदे को, मज़हब की हर बात को मिनो अन कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। वो ये कहते थे कि आज की दुनिया में कोई भी बात बग़ैर सोचे समझे या रस्मन मानने की नहीं है, बल्कि आज का दौर है, तरक्की पसंदी का दौर है, तो मज़हब इससे अछूता नहीं रहना चाहिए। उन्होंने तफ़सीरुल कुरान लिखी और तफ़सीरुल कुरान में उनका नज़रिया यह था कि वो कुरान को माना का असल सर चश्मा समझते थे और अहादीस को, अहादीस के सिलसिले में उनकी राय थी कि वो तमाम अहादीस मुस्तरद कर देनी चाहिए जो कुरानी तालीमात के ख़िलाफ़ हैं या अक्ल व फहम से मुताबकत नहीं रखती या इंसानी तजर्बात के मुतज़ाद हैं। अब ये ज़रा सा हद से बढ़ी हुई अकलियत पसंदी थी जिसको लोगों ने मुस्तरद कर दिया। इसी वजह से वो शब मेराज का जो वाक़ है कि एक आम मुसलमान का अकीदा है कि उस रात जिस्मानी तौर पर भी अल्लाह के रसूल मेराज गए थे यानी आसमान पर गए थे, ये वो नहीं मानते। वो कहते हैं ये ख़िलाफ़ आदत है, ये ऐसी चीज़ ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस अक्ल की रोशनी में उन्होंने बहुत सारी बातों को परखने की, जांचने की कोशिश की और उसे बयान किया। हाल ही जो कि सर सैयद के बहुत बड़े मोतरफ़ हैं, उनकी सलाहियतों के, उनकी कोशिशों के और मद्दा हैं, हयात जावेद में बाज़ लोगों ने हयात जावेद को इसीलिए मुकम्मल मद्दाही का नाम दिया है, लेकिन वो भी अपनी किताब हयात जावेद में कहते हैं कि ऐसा बाशऊर आदमी, ऐसा बाअक्ल आदमी इस तरह की बातें कर सकता, उम्मीद नहीं है कि ऐसी बातों पर ताज्जुब का इजहार किया है। तफसीर इंजील के सिलसिले में सर सैयद ने कहा कि ये जो आम उलमा की राय है कि उसमें तहरीफ हुई है लफ्ज़ में भी और माना में भी, वो कहते हैं कि लफ्ज़ में कोई तहरीफ नहीं हुई है, कोई लफ्ज़ ना घटा है ना बढ़ा है, बल्कि सिर्फ माना में इख्तलाफ है, माना में तब्दीली हुई है। तो इस तरह से आप देखें कि फिर उनका जो तसव्वुर नेचर है, वो कहते हैं कि कुरान को कलाम खुदा और नेचर को फ़ेल खुदा तसव्वुर कर देते हैं। मोहसिनुल मुल्क ने उनके उनकी जो तारीफ़ थी नेचर की जो ससैयद की तारीफ़ थी, वजाहत थी, उससे ज़रा कन्फ्यूज़न होता था। उससे ऐसा लगता था जैसे कि नेचर जो हमाउस्त का अकीदा है यानी वहदुल वजूद का अकीदा है वो है जिससे कि तौहीद खालिस पे ज़र पहुंचती थी। इसकी वजाहत करते हुए मोहसिनुल मुल्क ने मज़हब और इल्म अपने मजमून में नेचर की भी तारीफ़ की और लॉ ऑफ नेचर की भी तारीफ़ की। वो कहते हैं कि नेचर से मुराद तबीयत और तबाए मौजूदात है और क़ानून फितरत यानी कि लॉ ऑफ नेचर उस बाकायदा तरतीब व तंजीम का इजहार है जो कुदरती अशिया में पाई जाती है। ये मोहसिन मुल्क की वजाहत थी जिसकी वजह से हमें सर सैयद के नेचर की तारीफ़ में हमें नज़र आता है कि वो
उसका बचाव और उनका दिफा किया है। तीसरी जो असास है फिक्री, वो असास है अकल इज्तिमाईयत की। सर सैद जानते थे कि आज का जो दौर है वो इनफरादी कोशिशों का दौर नहीं है। अगर कोई शख्स अपने तौर पर कोई काम करता है तो उसके असरात उस तक होंगे या बहुत हद तक उसके महल्ले तक होंगे, यानी वो तहरीक की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकती वो उसकी कोशिश। तो उनका मानना ये था कि इज्तिमाईयत होनी चाहिए, यानी तहरीक को दो ही चार लोग शुरू कर रहे हैं लेकिन इस तौर पर शुरू करें कि अवाम उसमें शरीक हो जाए। अवाम जब शरीक होगी तो उस तहरीक की क़ुव्वत बढ़ेगी, उसमें इजाफा होगा। अब इसी इज्तिमाईयत की तहरीक से, इज्तिमाईयत है, जमहूरियत है, इसी इज्तिमाईयत की तहरीक से उनका एक तसव्वुर वाबस्ता है तालीम का। इसीलिए हम देखते हैं कि उनके यहाँ तालीम, वो कहते हैं कि सारे हिंदुस्तानी को तालीम याफ्ता होना चाहिए। क्यों? वो तालीम की वकालत इसलिए करते हैं ताकि इंसान अपने हकूक़ को पहचाने, और अगर वो कभी सल्ब किए जा रहे हैं किसी हुकूमत के ज़रिए तो उन तक रसाई के लिए जो भी कानूनी चाराजोई है वो करने का की अहलियत उसमें पैदा हो जाए। तो यानी अपने हकूक़ को पहचानने के लिए तालीम के ज़रिए से वो कौम में बेदारी लाना चाहते हैं। इज्तिमाईयत ही के ताल्लुक से उनका जो दूसरा तसव्वुर है वो तसव्वुर कौमियत है, यानी वो हिंदू और मुसलमान को एक नेशन के तौर पर तायबी करते थे। लाहौर के इंडियन एसोसिएशन के सामने जो उनकी तकरीर थी उसमें उन्होंने कहा था, मैं वो लफ्ज़ दोहराता हूँ, लफ्ज़ कौम से मेरी मुराद हिंदू और मुसलमान दोनों से है, यही वो माना है जिसमें लफ्ज़ नेशन की ताबीर करता हूँ। जब वो नेशन कहते हैं तो उनके सामने ये बात होती है कि इस मुल्क में जो आबाद हिंदू और मुस्लिम है उसको वो नेशन कहते हैं। चौथी बुनियाद इस तहरीक की नेचरियत है। नेचरियत यानी कि अदब व तहज़ीब का उसूल कुदरत के मुताबिक होना, जज्बात के बजाय हकीकत पर फोकस करना, ये फ़िक्र उनकी पूरी तहरीक में, उनके आमाल व अफकार में जारी व सारी नज़र आती है। पहली तब्दीली उन्होंने कब की? पहली तब्दीली आप देखें कि आसार व सनादीद का जो पहला एडिशन आया उसमें वलीउल्लाही तहरीक का भी जिक्र है और सैयद अहमद बरेलवी और शाह इस्माइल शहीद का भी जिक्र है जो बालाकोट में अंग्रेज़ों से लोहा लेते हुए शहीद हुए। शाह अब्दुल मुगनी की इल्मी हैसियत के एतराफ़ के बावजूद उनके जज्बे, उनके जो फतवा जिहाद था उसको बातिल करार दिया, उसके उससे उसको मुस्तरद किया। दूसरी मुफाहमत उस वक्त हुई जब वो ज़िंदगी भर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात करते रहे, लेकिन जब बाबू साहब दयाल प्रसाद संडयाल और दूसरे सरबरा उर्दा जो हिंदू रहनुमा थे उस ज़माने में, उन्होंने उर्दू की मुखालफत एक तरह से शुरू की, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि उनकी उनके अप्रोच में तब्दीली पैदा हुई। और वो तब्दीली ये थी कि बनारस में वो जब जो कमिश्नर थे शेक्सपियर, उनके सामने वो मुसलमानों की तालीम का जिक्र कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये पहला मौका है जब मैंने आपको हिंदू और मुसलमान की तालीम के बजाय सिर्फ मुसलमानों की तालीम के हवाले से बात करते हुए सुना है। तो उन्होंने उस वक्त वहाँ एतराफ़ किया कि अब मैं देखता हूँ कि जिस तरह से हालात बन रहे हैं उसमें दोनों कौमों का साथ चलना ज़रा मुश्किल है। तो हम देखते हैं कि ये अलीगढ़ जो तहरीक है जिसका पस मंज़र आपने देखा, जिसकी जो फ़िक्री असास है इनको आपने समझा, ये कोई खालिस अदबी तहरीक नहीं थी, ये सियासी, समाजी और तालीमी कोशिशों के नतीजे में उर्दू अदब में एक कहना चाहिए कि एक इस्लाह हुई और उसमें एक नई जिहत का इजाफा हुआ और उसमें इफादी नुक्ते नज़र को ख़ास अहमियत हासिल हुई। इस तरह से हम देखते हैं कि अलीगढ़ तहरीक ने एक बहुत बड़ा काम किया जिसमें उर्दू में इनकलाब के बजाय इस्लाह का काम करते हुए उसके मौजूद पर बहुत बड़ा काम किया। और इस हवाले से उर्दू में तरक्की पसंद तहरीक का जो कारनामा है वो हमेशा याद रखा जाएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया। और हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं डॉक्टर नौशाद आलम का, जिनके ज़रिए हमने इस व्याख्यान को यहाँ पर पूर्ण किया। मित्रों, हम आप सभी से इल्तिजा करना चाहेंगे कि अगर आप अलीगढ़ तहरीक इस पर और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहे। एक छोटे से विराम के बाद हम जल्द आप सभी के समक्ष फिर प्रस्तुत होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आदाब दोस्तों, सीसी के इस लाइव व्याख्यान में एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज हम अलीगढ़ तहरीक इस पर चर्चा कर रहे हैं और इस सेशन के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नौशाद आलम। डॉक्टर नौशाद आलम जामिया मिल्लिया इस्लामिया में कार्यरत हैं और सीसी के लाइव व्याख्यानों के ज़रिए आप सभी तक विभिन्न जानकारियां पहुंचाते हैं। मुख्तलिफ विषयों पर ये आपके लिए लेक्चर्स लेकर आते हैं और हमारी यही कोशिश रहती है कि इनके ज़रिए हम आप सभी के लिए विभिन्न लेक्चर्स आयोजित करें और वो तमाम मुफीद बातें पहुंचाएं जिनसे आप सरोकार रखते हैं, जिन्हें आप जानना, पढ़ना और समझना चाहते हैं। तो आइए हम एक बार फिर इस्तकबाल करते हैं डॉक्टर नौशाद आलम का, उनके ज़रिए इस व्याख्यान को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर आलम, आपको बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे हैं अलीगढ़ तहरीक के बारे में और अलीगढ़ तहरीक के हवाले से, जिसे सर सैद तहरीक भी कहते हैं, अलीगढ़ तहरीक भी कहते हैं। दो बुनियादी बातें जानना ज़रूरी हैं। पहली ये कि अलीगढ़ तहरीक कोई खालिस अदबी तहरीक नहीं है। इसको नाम ज़रूर दे दिया जाता है चूँकि अलीगढ़ से नई जो नशत सानिया है उसका आगाज़ होता है और कभी कभी उसे सर सैद तहरीक इसलिए कह देते हैं कि चूँकि सर सैद की जो उनकी शख्सियत है, जो मकनातीसी शख्सियत है उनकी, और जो उनका काम है, जिस तरह से उन्होंने सियासी, समाजी और तहजीबी कोशिशें की हैं और तालीमी कोशिशें की हैं, तो एक तरह से ये खालिस अदबी तहरीक ना होते हुए भी उसने अदब को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। दूसरी तरफ इसकी अपनी कोई तंजीम नहीं है। आम तौर पर तहरीक जब हम बोलते हैं तो हमारे जहन में उसके पसे पुश्त एक तंजीम का होना समझा जाता है कि वो होगी तंजीम, लेकिन वो तंजीम इसके पीछे नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो सर सैद की तहजीब की जो तहरीक थी, यानी सियासी, समाजी और तालीमी कोशिशों के नतीजे में जो तहरीक पैदा हुई थी, उससे इस तहरीक को ग़िज़ा मिलती रही। अब आप देखें कि इस पस मंज़र में अलीगढ़ तहरीक से पहले, उर्दू शायरी को छोड़ दें आप, उर्दू शायरी की बड़ी तवाना रिवायत है हमारे यहाँ, उर्दू शायरी को छोड़ करके उर्दू अदबियात का जो दायरा है मज़हब, तसव्वुफ, तारीख और तज़किरा नवीसी तक महदूद है। उलूम तबी का मजाक भी कम है,
ریاضیات اور دیگر علوم کی طرف جو دلچسپی لینے والے لوگ ہیں وہ بھی بہت کم تعداد میں ملتے ہیں. تو گویا مذہبیات میں عموماً ایسی منقولات اور روایات سے مواد حاصل کرتے ہیں جن میں ان قدروں پر خاص زور دیا جاتا ہے جو زندگی کے مادی پہلوؤں سے دور جانے والی ہوں. شاہ ولی اللہ کی دینی تحریک جو تھی اس میں ضرور اقتصاد کا ذکر ہے, یعنی معاش کا ذکر ہے, اور اقتراب یعنی معاد قرب اللہ کے عناصر تھے, لیکن اس تحریک کی رفتار بہت دھیمی تھی. تاریخ میں دیکھیں تو سرسری واقعہ نگاری کو مورخانہ کمال سمجھا جا رہا ہے. تصوف جو کہ عمل اور فکر کا مجموعہ دونوں سے عبارت ہے, ساری اپنی جو اثباتیت ہے وہ کھو چکی ہے, اور اس میں منفیت اور انفعالیت پیدا ہو چکی ہے, اور ایک طرح سے وہ لوگوں کو مضمحل اور پست ہمت بنانے کا کام کر رہی ہے. فارسی اردو سے پہلے فارسی میں بھی تذکرے لکھے جا رہے تھے, اردو میں بھی تذکرے لکھے گئے, اور کچھ تذکرے بڑے وقعی انداز کے لکھے گئے. لیکن جو ایک عام روایت ہے تذکرہ نویسی کی, اس میں جو ایک علم شان ہونی چاہیے وہ ہمیں نظر نہیں آتی. اردو نثر آپ دیکھ لیں, اردو نثر کا بھی جو تعلق ہے وہ بھی اپنے کہنا چاہیے کہ ابتدائی منزل میں ہے اس کا ارتقا. اور فورٹ ولیم کالج کی جو سلیس نثر ہے, دہلی کالج کی جو علمی نثر ہے, اور مرزا غالب کی جو شخصی ادبی نثر ہے, ان کا یہ ہوتے ہوئے بھی ان کا دائرہ اس طرح سے بہت زیادہ بڑھا ہوا پھیلا ہوا نظر نہیں آتا. ایسے میں سر سید کی کا جو کام ہے وہ آپ دیکھیں کہ سید عبداللہ نے بہت اچھے الفاظ میں ان کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے فکر و ادب میں روایت کی تقلید سے ہٹ کر آزادی رائے اور آزاد خیالی کی رسم جاری کی, اور ایک ایسے مکتب کی بنیاد رکھی جس کے عقائد میں عقل, نیچر, تہذیب اور مادی ترقی کو بنیادی حیثیت حاصل. اب یہ دو بنیادی باتیں ہوئیں. پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ فکر و ادب میں تقلید کے راستے سے ہٹ کر آزادی رائے پر فوکس کرنا, اس پر توجہ مرکوز کرنا, اور آزاد خیالی کی رسم کو جاری کرنا. اور تیسری چیز ہے کہ جو انہوں نے مکتب فکر ایجاد کیا ہے, جو ایک طرح سے وہ اسلوب لوگوں کو دے رہے ہیں, اس میں جس کے عقائد میں عقل ہے, یعنی آنکھ بند کر کے کسی چیز کو ماننے کی خوش سے پرہیز ہے, نیچر ہے, تہذیب اور مادی ترقی کو اس میں بنیادی اہمیت حاصل ہے. سر سید نے جو ادب کو ذہن دیا اس کے اگر اجزاء کو آپ تیار کریں تو پتہ چلے گا کہ اس میں مادیت بھی ہے, اس میں عقلیت بھی ہے, اس میں اجتماعیت بھی ہے, اور حقائق نگاری سے بھی کام لیا گیا ہے. اپنی تصنیفات میں بہت جگہ پہ انہوں نے یہ بات دہرائی ہے کہ سچائی تک اگر پہنچنا ہے تو آپ کو تحقیق کا راستہ اپنانا پڑے گا. صرف سنی سنائی باتوں پر یقین کرنا اس سے بات نہیں بنتی ہے. وہ انقلابی نہیں تھے, وہ ایک مسلح تھے, اور ان کے پاس جو انداز فکر و نظر تھا اس میں اصلاح پسندی ان تمام حوالوں سے آتی ہے, مادیت کے حوالے سے, عقلیت کے حوالے سے, اجتماعیت کے حوالے سے, حقائق نگاری کے حوالے سے, یعنی جو جو روایتیں انہیں ورثے میں ملی تھی ان میں اصلاح کو وہ ضروری خیال کرتے ہیں. بہت ساری جگہوں پر وہ تقلید بھی کرتے نظر آتے ہیں, لیکن ایک عام خیال ان کا یہ ہے کہ آپ کو تحقیق کے ذریعے سے, تقلید کے راستے سے آپ ترقی نہیں کر سکتے. ماضی سے روشنی حاصل کرنا ضروری ہے, لیکن ماضی پر ہی انحصار کر لینا یہ عقل کی دلیل نہیں ہے, اور ایک زندہ قوم کی یہ نشانی نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے تھے. ان کے ادب میں حقیقت زیادہ آپ کو
दिखाई देगी और अफसानवियत कम नज़र आएगी। वो कुछ मानों में क्लासिकी उसूल के मानने वाले थे, लेकिन उनका जो क्लासिकी उसूल था उसमें कुछ रूमानियत की लहरें भी आपको नज़र आती हैं। उनका अदब एक नयापन, एक हमगीरी थी उस अदब में, एक ख़ास किस्म की संजीदगी, इल्मी मतानत और अक्ली इस्तेदलाल के ज़रिए से जिस तरह से उन्होंने वक़ार बख्शा है अपने मजामीन को, अपने ख़यालात को, वो बहुत खासी की चीज़ है। शेर व अदब में इफ़ादी नुक्ते नज़र को न सिर्फ तस्लीम किया बल्कि उसको अपने मजामीन के ज़रिए पेश किया और अमली नमूना पेश किया, और साथियों से ये भी मुतालबा किया कि वो भी ऐसी ही तख्लीकात और ऐसी ही तसनीफ़ात पेश करें जिनमें मकसदी अदब शामिल हो। यानी खाली ख़याली तोता मैना बनाने की बातों से परहेज़ करना उन्होंने सिखाया। मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में ऐसी ही नज़में पढ़ी जाती थी जिनमें ज़िंदगी, समाज और कौमी शऊर से ताल्लुक़ का इजहार होता था। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अंजुमन पंजाब की आप तहरीक देखे, जो वहाँ से मुनाजरे की, मुनाज़मों की जो तहरीक शुरू हुई, यानी ख़ास मौजूआत पर नज़में लिखी जाती थी। एक ख़त में सर सैद ने मोहम्मद हुसैन आज़ाद को मुबारकबाद दी और इस पर खुशी का इजहार किया कि इस अंजुमन के तहत जो नज़में पढ़ी जा रही हैं वो बिल्कुल उनके उनका जो उनकी जो मंशा है, वो जो चाहते उसके हिसाब से ये नज़में हैं। और अंजुमन पंजाब की नज़मों की इफ़ादियत को मज़ीद वाज़े किया किसने? मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के तहत पढ़ी जाने वाली नज़मों ने। अलीगढ़ से पहले आप शायरी का अगर जायज़ा लें तो आपको उसमें मुनज़्ज़म इज्तिमाई मुआशरती एहसास का अंदाज़ा उस तरह से नहीं होता। वहाँ पर इनफरादी एहसास का अंदाज़ा होता है कि कोई शख्स क्या महसूस करता है कायनात को देख करके, अपने आसपास कुदरती मनाजिर का जिक्र वहाँ भी है, वो क्या महसूस करता है। लेकिन उस उन कुदरती मनाजिर को इज्तिमाईयत के लिए, इज्तिमा के लिए, आवाम के लिए किस तरह से पैगाम का एक कहना चाहिए आला बनाना है, वो अलीगढ़ तहरीक के बाद हमारे सामने चीज़ आती है कि किस तरह से अपने अदब को, अपनी निगारिशात को, अपनी तसनीफात में हमें इफ़ादी नुक्ते नज़र को सामने रखना है। उसलूब की जगह मौजू को अहमियत दी गई और ये कहा गया कि अदब जो है वो इनफरादी मुजाहरा नहीं है बल्कि वो एक इज्तिमाई शय है, और ये इज्तिमाई शय उस वक्त तक कार आमद नहीं होगी जब तक उसमें तसव्वुर इज्तिमाईयत नहीं होगी, जब तक उसमें इफ़ादी नुक्ता नज़र शामिल नहीं होगा। इसलिए हम देखते हैं कि तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता जितने भी मुसन्निफीन हैं, वो हाली हैं, नज़ीर अहमद हैं, शिबली हैं, मोहसिनुल मुल्क हैं, और बराह रास्त जो शरीक नहीं हैं वो भी, मतलब जितने भी मुसन्निफीन आपको मिलेंगे, इस्माइल मेरठी हों, खुशी मोहम्मद नाज़िर हों, ज़काउल्ला हों, यानी मुख्तलिफ मुसन्निफीन, और कहना चाहिए कि जो भी उससे वाबस्ता है बिलवास्ता तौर पर या बराह रास्त तौर पर, उसकी तहरीर में ये चीज़ साफ़ तौर पर नज़र आती है कि वो अवाम के बारे में सोच रहा है। वो अपने आसपास के मनाजिर को, उस वाक़यात और हादसात को सिर्फ फ़र्द के तौर पर अंगेज़ नहीं कर रहा है, बल्कि वो एक उसको इस तौर पर अंगेज़ कर रहा है कि उससे किस तरह से अवाम के फ़ायदे के लिए उसमें किस तरह से एक ऐसा अप्रोच अख्तियार किया जा सकता है जो अवाम के फ़ायदे के लिए हो, उसमें मकसदी अदब हो, ख़याली और तसव्वुराती चीज़ों को पेश करने के बजाय ऐसी चीज़ों पर तवज्जो मरकूज़ की जा रही है जिसमें जिसमें अवाम का भला हो, जिसमें इंसानों का भला हो। अदब के बारे में सर सैद का जो तसव्वुर है कि जो अपने दिल में हो वही दूसरे के दिल में पड़े, ताकि दिल से निकले और दिल में बैठे, वो मज़मून के हवाले से कहते हैं कि जो कुछ लुत्फ हो वो मज़मून में हो, और अगर मज़मून में लुत्फ होगा तो मज़मून के अदा करने में आप ही आप लुत्फ पैदा हो जाएगा।
پرانی شاعری پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارا فن شاعری بد جذبات کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ضد حقیقی تہذیب الاخلاق کے ہیں. پرانی شاعری ان کے نزدیک تعجب تو پیدا کرتی ہے لیکن اس میں اثر پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. اب آپ کہیں گے کہ انجمن پنجاب میں بھی یہ ساری چیزیں تھیں تو وہ اتنی مقبول کیوں نہیں, علی گڑھ تحریک سے جو چیزیں وابستہ تھیں وہ زیادہ مقبول ہو گئی؟ تو یہ ایسی بات ہے کہ محمد حسین آزاد نے کرنل ہارائٹ کے اشارے پر, ان کی ایما پر جو انجمن پنجاب کی تحریک شروع کی اور نئی نظموں کا جو ایک طرح سے موضوعات دیے جانے لگے اور نظمیں کہی جانے لگیں, اس سے پہلے افادی نقطۂ نظر وہاں پہ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے تحت ایسی نظمیں لکھی جانے لگیں کہ ان میں اپنے آس پاس کی چیزوں کا ذکر ہوتا تھا, خیالی طوطا مینا بنانے کے بجائے ایسی چیزوں کا ذکر جن کا تعلق انسان, سماج اور قومی شعور سے تھا, قومی خدمت سے تھا, ان چیزوں کا ذکر ہونے لگا. چونکہ یہ باتیں جو محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے تحت نظمیں پڑھی جا رہی تھیں وہ ایک بڑی تحریک کا حصہ تھی, اس لیے ان کا دائرہ اثر اور ان کی مقبولیت ذرا زیادہ ہوئی. اور محمد حسین آزاد چونکہ وہ ایک تحریک سے وابستہ, اس طرح کی کہنا چاہیے کہ اتنے بڑے پیمانے کی تحریک وہ نہیں تھی, وہ خالص ادبی تحریک کہنا چاہیے کہ وہ تھی. اور اس کے بعد جتنے لوگ علی گڑھ تحریک سے وابستہ تھے ان کے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایسا ادب تخلیق کیا جس کو دیکھ کر کے جو ادب کے بارے میں ان کا تصور ہے, یعنی سر سید کا, وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو اپنے دل میں ہو وہی دوسرے کے دل میں پڑے تاکہ دل سے نکلے اور دل میں بیٹھے. یہ بہت سادہ سا لفظ ہے, سادہ سا جملہ ہے, لیکن آپ دیکھیے کہ اس سے اثر, سادگی, شگفتگی اور ان تمام باتوں کا اس میں احاطہ کیا گیا ہے جو, یعنی جب آپ جب کوئی چیز بیان کر رہے ہیں اس میں جذبہ ہوگا, اس میں خلوص ہوگا, تو یقیناً کہ از دل خیزد بر دل ریزد, کہ جو دل جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. دل سے بات اگر نکلے گی تو اس میں اثر لامحالہ ہوگا. اور آپ دیکھیں کہ ادب کے بارے میں جو سر سید کا یہ نظریہ تھا اسے حالی نے بہت خوبی سے ادا کیا. مسدس لکھی انہوں نے, سید عبداللہ نے مسدس کو تہذیب الاخلاق کی منظوم شرح کہا ہے. یہ بہت ہی جامع جملہ ہے. تہذیب الاخلاق نے جس طرح سے کوششیں کی ہیں, جو اس کے مضامین تھے, اس کا ذکر میں اور آگے جا کے کروں گا کہ اسپیکٹیٹر اور ٹٹلر کو جو رسائل تھے انگلستان میں, ان کا مطالعہ کرنے کے بعد, ان کو دیکھنے کے بعد, اسی نہج پر ہندوستان میں آنے کے بعد سر سید نے تہذیب الاخلاق کا اجرا کیا اور اس سے وہ مقاصد حاصل کیے جس کے لیے بعد میں, بہت بعد میں مہدی افادی نے ایک بڑا شاندار جملہ کہا تھا کہ جدید جو نسل ہے وہ تمام تر تہذیب الاخلاق کی پروردہ ہے. جدید نسل سے آپ دیکھیں کہ جو ادب پیدا ہوا ہمارے ہاں وہ حالی کے ذریعے سے پیدا ہوا, شبلی کے ذریعے سے پیدا ہوا, سر سید کے جو رفقائے کار تھے نذیر احمد, ڈپٹی نذیر احمد کے حوالے سے پیدا ہوا, وہ سب یعنی ایک ایسی عمارت کی بنیاد رکھ دی جس عمارت میں اقلیت, اجتماعیت, افادیت, یہ ساری چیزیں, حقائق نگاری, یہ ساری چیزیں بھری تھیں. مقدمہ شعر و شاعری حالی نے لکھی. مقدمہ شعر و شاعری میں شعر میں سادگی ہونا چاہیے, جوش ہونا چاہیے, یہ ساری جو شرائط تھیں, اصلیت ہونی چاہیے شعر میں, پھر شاعر کے لیے کیا خصوصیات ہیں, کائنات کا مطالعہ ہو, تفحص الفاظ ہو, تخیل ہو, یہ ساری شرائط شاعر کے لیے بتائی گئی. تو گویا جس طرح سے سر سید چاہتے تھے کہ ادب تخلیق ہو, بالکل اسی طرز پر حالی کام کر رہے تھے. مصنویات حالی آپ دیکھ لیں, حالی کی بہت ساری نظمیں, برکھا رت ہے, نشاط امید ہے, حب وطن ہے, مناجات بیوہ ہے, مناظرہ رحم و انصاف ہے, یہ ساری کی ساری نظمیں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے سر سید کی تحریک کی نمائندگی کرتی ہیں.
सर सैयद के एक तरह से जो उनके जज्बात थे अदब के हवाले से कि अदब को कैसा होना चाहिए, उनको अपने अपनी इबारतों में अपने मतून में पोशीदा रखे हुए हैं। नस्म निगारी के अलावा आप देखें कि नसर में भी बहुत सारी असनाफ में अलीगढ़ तहरीक के असरात हमें साफ तौर पर नज़र आते हैं। मकालात हैं, इंशाइये हैं, तारीख है, सवाने है, तमसील निगारी है और तहकीक है। ये सारे वो मैदान हैं जिसमें हमें तरक्की पर अलीगढ़ तहरीक के असरात वाज़े तौर पर नज़र आते हैं। तारीख का सामने का वाक़या है कि शिबली नोमानी अपनी किताब सीरतुन नबी के मुकदमे में जो वो इस बात पर ज़ोर देते हैं कि तारीख में कोई बात महसूसात, उसूल मुसलमा और अक्ल और मुशाहदे के ख़िलाफ़ न हो, ये शऊर उनके पास कहाँ से आया। आपको मालूम है कि अलमामून उन्होंने जो किताब लिखी, सवाने की किताब है, उसमें सर सैयद के इशारे पे वो किताब लिखी उन्होंने। तो तारीख का ये शऊर ये सर सैयद का अता करदा है। सर सैयद ने तारीख की बड़ी अहम किताबों की एडिटिंग भी की और किताबें भी लिखी है, जैसे आसारुस सनादीद जिसमें दिल्ली की तारीखी इमारतों का जिक्र है, आसार कदीमा के ऊपर वो किताब है और जो अहले इल्म कमाल उस ज़माने में मौजूद थे उनके हालात उसमें दर्ज हैं। इसके दो एडिशन आए। पहला एडिशन उसमें सर सैयद का जो अंदाज़ है वो मुहक्किकाना नहीं है, उसमें ज़रा अफसानवियत या दास्तानवी अंदाज़ बयान दाखिल हो गया है, लेकिन मिस्टर रॉबर्ट्स के इशारे पर जब उसमें तब्दीलियाँ की गईं और मगरबी तहकीक के उसूल को उसमें लाया गया, और फिर जब दूसरा एडिशन आया जिसमें मगरबी तहकीक के उसूल को की पैरवी की गई, और 1854 में जब दूसरा उसका एडिशन आया तो वो बिल्कुल एक तहकीक का जो मेयार है, एक तहकीक के मेयार को बहुत बुलंद कर दिया। तारीख़ फिरोज शाही लिखी, आईने अकबरी लिखी, हालांकि आईने अकबरी पर तकरीज गालिब से लिखने के लिए कही थी और गालिब ने उसको मुर्दा परवर्दन कहा था, लेकिन कहने की बात यह है कि शिबली से पहले सर सैयद ने आसारुस सनादीद, तारीख़ फिरोज शाही, ये किताबें जो लिखी इसमें उन्होंने तहकीक के उसूल को कुछ इस तरह से नाफिस किया और उसे राइज किया कि सर सैयद सीरतुन नबी लिखते वक्त ये बात लिखते हैं कि तारीख में कोई बात महसूसात, उसूल मुसलमा और अक्ल और मुशाहदे के ख़िलाफ़ ना हो, इस बात पर वो जोर देते हैं। ये जो कहना चाहिए कि उनकी सलाहियत को सैकल किया गया, उनकी जो सलाहियत सैकल हुई है, ख़ुद उनकी अपनी जो सलाहियत है, उनका जो अपना जौहर है वो तो है ही, लेकिन जो पूरी तरबियत है तहज़ीबुल अखलाक की वो हमें साफ तौर पर दिखाई देती है। सवारी निगारी से आप देख लें, सवारी निगारी बहुत मुतासिर रही है उर्दू अदब में अलीगढ़ तहरीक से। हाली ने हयात सादी लिखी, खुद हयात जावेद लिखी, शिबली ने अलफारूक, इसी तरह से ये सब कौमी खिदमत के इशारिये हैं। इन्हें गौर से आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि सवाने में, तारीख में तमसील निगारी, उर्दू में तमसील निगारी पहले से मौजूद है। मसलन सबरस का आप किस्सा पढ़ लें तो सबरस में अक्ल है, हुस्न है, इश्क है, नज़र है, ये सारे तमसीली पैराए में आपको नज़र आते हैं जहाँ पर वो बयान करते हैं। लेकिन अलीगढ़ तहरीक का जो कहना चाहिए इम्तियाज़ है तमसील निगारी के हवाले से वो ये कि यहाँ पर बतौर फ़न तमसील निगारी को बरता गया, और इसमें खुद सर सैयद ने नरंग ख़याल के मजामीन तो खैर उसके शायद हैं ही, जो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब है, लेकिन ख़ुद एडिसन और स्टील के जो मजामीन हैं उनका जो तर्जमा किया है, ख़ुद सर सैयद का जो मज़मून है कि उम्मीद की खुशी और गुज़रा हुआ ज़माना, उसमें जो तमसीली अंदाज़ बयान अख्तियार किया गया है, उसने उर्दू में कहना चाहिए कि तमसील निगारी को एक फ़न के तौर पर मुस्तहकम किया है। नज़ीर अहमद के नावल देखें आप,
मैं जिक्र कर रहा हूँ सर सैयद के इस्लाही कारनामों का, उन कोशिशों का जिसने उर्दू जिन कोशिशों ने उर्दू अदब को एक ख़ास जहत दी। उसमें नज़ीर अहमद के नावल बिल्कुल मुमताज़ नज़र आते हैं। उससे पहले हमारे यहाँ दास्तानें थी, दास्तानों में ख़याली तोता मैना बनाने की बातें हैं, किस्सा दर किस्सा कहानी की टेक्निक है, उस तकनीक को इख्तियार करते हुए दास्तान गो अपनी दास्तान सुनाता चला जाता है, एक ख्याल से दूसरे ख्याल, दूसरे ख्याल से तीसरे ख्याल की तरफ, वो ख्याल की दुनिया आबाद करता हुआ निकलता चला जाता है। लेकिन नावल जो कि हमारे अहद की पैदावार है, उसमें हमारे ज़िंदगी के रज़मिये को पेश किया है सर सैयद की कोशिशों से, और उनकी ज़हनी तरबियत से हम देखते हैं कि डिप्टी नज़ीर अहमद के जो नावल हैं, मिरातुल उरूस हो, इब्नुल वक्त हो, बनातुन नाश हो, तौबतुन नसूह हो, इनके जितने भी नावल हैं उसमें हम एक इस्लाही नुक्ता नज़र हमें नज़र आता है, और इस इस्लाह की कोशिश और उसका जो सहरा जाता है वो क्रेडिट पूरा पूरा सर सैयद को जाता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी तहरीक शुरू कर चुके थे और अपने तमाम रफ़का से इस बात की उम्मीद करते थे, मुतालबा करते थे कि इस तरह की चीज़ें लिखी जाएं, इस तरह की तसनीफ़ात सामने आनी चाहिए और अपनी तसनीफ़ात और निगारिशात में इस तरह की बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए। पंडित रतननाथ सरशार हैं, फसाना आज़ाद लिखी, और उनके दूसरे नावलों में अब आप देखें कि मशरक़ी तर्ज हयात को जिस तरह से ग्लोरीफाई किया है, वो कहीं ना कहीं हम जो देखते हैं कि अंग्रेज़ एहसास तफाखुर में हमें कमतर समझता है, वैसे में इस तरह की तख्लीकात, ऐसी तसनीफ़ात हमें इस बात का पता देती हैं कि हमारे पास जो तहज़ीबी सरमाया है वो भी काबिले फ़ख्र है। तो शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। शरर के नावलों में अगरचे आप देखेंगे कि अहयाए इस्लाम की या मज़हबी जोश की बातें मिलती हैं, लेकिन वो भी सर सैयद के इस्लाही तहरीकों से, उनके प्रोग्रामों से बहुत मुतासिर नज़र आते हैं। इस हवाले से मैं एक और चीज़ पर फोकस करना चाहूँगा, वहाँ मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा, तहज़ीबुल अखलाक और उर्दू सहाफ़त। आपको मालूम है कि ये आपने सारी चीज़ें देख ली, उर्दू शायरी में किस तरह से तब्दीली हुई, हाली शिबली, नज़ीर अहमद ने भी नज़में कहीं, शिबली भी नज़में कहीं, उसके अलावा नसर में भी आपने देखा कि किस तरह से अलीगढ़ तहरीक के ज़ेर असर जो इफ़ादई नुक्ते नज़र के तहत शायरियाँ हुई हैं, शायरी हुई है या जो तसनीफ़ात हुई हैं, उन्होंने किस तरह से मुख्तलिफ़ असनाफ़ शेर व अदब को मुतासिर किया है। इसके अलावा सर सैयद की तहरीक में तहज़ीबुल अखलाक का एक बहुत बड़ा रोल है जो हमें उर्दू सहाफ़त को मुतासिर करता हुआ नज़र आता है। अलीगढ़ तहज़ीबुल अखलाक जो है, जब गाज़ीपुर में थे तो साइंटिफिक सोसाइटी बनाई थी और अखबार साइंटिफिक सोसाइटी बनाई थी, जब अलीगढ़ आए तो अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट उसका नाम रख दिया, और इसका जो मकसद था वो ये था कि अंग्रेज़ हिंदुस्तानी आवाम के जज्बात व एहसासात से आगाह हों और ख़ुद हमारी कौम के दरमियान भी सियासी और इल्मी ज़ौक़ पैदा हो। तो कहना चाहिए कि अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट और तहज़ीबुल अखलाक दोनों की सरहदें मौजूआती सतह पर आप देखें, दोनों की सरहदें मिलती जुलती हैं, गो के अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट का जो रुझान था वो अखबारियत की तरफ था और तहज़ीबुल अखलाक का रिसाले की तरफ था। मैं आखिरी बात इस सिलसिले में सिर्फ सैयद अब्दुल्ला की इस बयान पे, इस रिमार्क पे ख़त्म करना चाहता हूँ जो उन्होंने सर सैयद की सहाफ़त के हवाले से दिया था। पहला बयान उन्होंने ये दिया कि सर सैयद की सहाफ़त ने उर्दू में दीदा जेबी और कागज़ की उम्दगी को बहुत मलहूज़ रखा, जिसकी वजह से वो यूरोप में जो सहाफ़त होती है और जो उसके अखबारों का मेयार है, उस मेयार के ऊपर उर्दू की सहाफ़त उतर गई है। और दूसरी जो खसूसियत बताई उसको मैं पढ़ देता हूँ, इन अखबारात की माकूलियत, अखबारात में वाक़ियात व मामलात पर बेलाग राय, जिसमें बड़ी आक़िबत बीनी, वसअत मालूमात और तामीरी नुक्ता नज़र झलकता है, यही उनके तबसरों की खसूसियत है, और मज़ामीन इल्मी में सर सैयद की मखसूस माकूलाती स्पिरिट और हयात कौमी तश्कील जदीद और ज़िंदगी की तमद्दुनी असास का पूरा पूरा एहसास पाया जाता है। यह अक़ली और तजज़ियाती असूल सहाफ़त
سر سید کے اخبار نویسی کے خاتمے کے بعد آج تک اردو اخبار نویسی میں پیدا نہ ہو سکا. تو اس طرح آپ دیکھیں کہ اردو کو اس تحریک نے نہ صرف شاعری میں بلکہ نثر کی مختلف اصناف میں بھی متاثر کیا ہے اور صحافت میں بھی متاثر کیا ہے. تو اس طرح سے ہمارے سامنے اردو میں علی گڑھ تحریک کی جو خدمات ہیں وہ بہت ہی بڑے پیمانے پر ہمیں نظر آتی ہیں کہ وہ تاریخ کا بھی شعبہ، تصوف کا بھی، مذہب کا بھی، کسی بھی شعبے میں اس نے اپنے اثر کو محدود نہیں رکھا بلکہ ایک افادی نقطۂ نظر کو، اصلاحی جذبے کو پوری تحریک جو ہے ہماری اردو تصنیفات میں نظر آتی ہیں. بہت بہت شکریہ. اور ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر نوشاد عالم کا، جن کے ذریعے ہم نے آج کے اس ویاخیان کو یہاں پورن کیا. دوستوں، آپ سبھی سے یہ التجا کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے من میں کوئی بھی سوالات ہیں تو ضرور ساجھا کریں info.cec@nic.in پر. آپ سبھی دوستوں سے ہم پھر روبرو ہوں گے اپنے اگلے ویاخیان میں ایک نئے وشے کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سبھی کو بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ سر آپ کو. بہت بہت شکریہ.